सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कुछ इस तरह की सिंगल लाइफ वाली फोटो एडिटिंग कर सकते हो, जो कि काफी इजी तरीके से सिखाने वाला हूं। एंड इसके टी शर्ट पे आपका नेम भी लिखा हुआ होगा। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको सर्च बार में आना है। यहाँ आपको टाइप करना है बिंग AI इमेज क्रिएटर। इतना टाइप कर लेने के बाद आपको सर्च कर देना है। फिर आपको सबसे पहले ये जो वेबसाइट दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप चाहे तो नीचे वाले पे क्लिक करके इसको एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं वेबसाइट से बताने वाला हूँ। तो क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो व्हाइट बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है जैसे आप इमेज क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ क्रिएट दिखा रहा है, आपका यहाँ ज्वाइन दिखाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइनअप कर रखा है, इसलिए मेरा क्रिएट दिखा रहा है। आपको साइनअप करना होगा, तो साइनअप करने का प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया, इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। सो मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर रखा है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये प्रॉम्प्ट आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट में चेंज करना है कि रोहन की जगह अपना नेम लिख देना। उसके बाद आपको यहाँ पर जो फॉरेस्ट लिखा हुआ है इसको कट करके आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो लिख लेना। अगर आप एक गर्ल हो तो टीनेज बॉय की जगह पर आप बॉय काट कर गर्ल कर देना। उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो क्रिएट पर क्लिक कर देने के बाद ये क्रिएट होने लग जाएगा। तो जब तक क्रिएट हो रहा है तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, मैं और ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। देख सकते हैं इमेज बनकर आ चुका है एंड जो भी इमेज अच्छे लग रहा है उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ये डाउनलोड हो जाएगा आपकी गैलरी में। सो अब मैं आपको यहाँ से कट करके वापस से क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो अब रोहन को कट करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ हंसु। उसके बाद यहाँ जो फॉरेस्ट लिखा है इसे मैं कट करके कर देता हूँ यहाँ पर दूसरा बैकग्राउंड स्ट्रेट्स। तो क्रिएट पर क्लिक कर देने के बाद ये बनने लग जाएगा। तो तब तक बन रहा है, वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं इमेज बनकर आ चुका है, बट एक ही इमेज आई है, 4 इमेज आती है, पर कोई नहीं, चलो तो इमेज पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे आप पहले बताया था। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी इजीली आपको सब कुछ समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।